दोस्तों, स्वागत है आपका एनआर स्टडी में कहानी इतिहास की। मेरे साथ मैं दिनेश निंबावत। आज कहानी के माध्यम से इतिहास को समझने में आज एक ऐसे ही कहानी की बात करते हैं। आज का विषय है आंग्ल सिख युद्धों की बात आज करेंगे। आंग्ल सिख युद्धों को समझने से पहले आंग्ल और सिखों के बीच के संबंधों को समझना बेहद जरूरी है। तो आइए पहले आंग्ल सिख संबंध की बात हम कर लेते हैं। आंग्ल सिख संबंधों की बात जब करते हैं तो एक बहुत ही चर्चित नाम हमारे बीच में आता है, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच के संबंधों की बात आज करते हैं तो जानिए, पहले रणजीत सिंह सतलुज नदी के पार की सिख रियासतों पर भी अधिकार कर लेना चाहता था। 1806 ईस्वी के आसपास उसने लुधियाना, जगराव आदि पर अधिकार कर लिया। 1807 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलुज नदी को पुनः पार किया और अनेक सिख राज्यों पर भी अधिकार कर लिया। इस पर सतलुज पार की सिख रियासतों में रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी। अतः भारत के गवर्नर जनरल मिंटो ने अपने विशेष प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाप को रणजीत सिंह से समझौता करने के लिए भेजा। रणजीत सिंह इस शर्त पर अंग्रेजों से समझौता करने को तैयार था कि उसे सतलुज पार के राज्यों का स्वामी स्वीकार कर लिया जाए, परंतु मेटकाप इस बात को मानने से इनकार किया। उन्होंने तैयार नहीं था इस बात पर। बाद में परिस्थितियां बदल गई क्योंकि नेपोलियन 1808 ईस्वी में स्पेन के युद्ध में फंस गया। इससे रूस के रास्ते से नेपोलियन के आक्रमण की आशंका समाप्त हो गई। इसमें मिंटो का कठोर होना स्वाभाविक था। रणजीत सिंह पर दबाव डालते हुए अमृतसर की संधि करने को बाध्य किया गया। ये संधि 25 अप्रैल 1809 को संपन्न हुई। अमृतसर की संधि में अनेक महत्वपूर्ण शर्तें थी। दोनों पक्षों ने सतलुज नदी को अपनी सीमा मान लिया। रणजीत सिंह ने सतलुज नदी के पूर्व में स्थित राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में विस्तार की खुली छूट दे दी। दोनों पक्षों ने परस्पर स्थायी मैत्री एवं शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया। किसी भी पक्ष द्वारा संधि की एक धारा का उल्लंघन करने पर संपूर्ण संधि समाप्त मानी जाएगी। अमृतसर की संधि के परिणाम क्या हुए? अंग्रेजों का बिना युद्ध किए ही यमुना व सतलज के बीच के भूभाग पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। रणजीत सिंह सतलुज नदी के पार के सिख राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सका। उसके समस्त सिख प्रदेशों के स्वामी बने से उसके जो सपने थे सब मिट्टी में मिल गए। अंग्रेज उत्तर में सिखों के भय से मुक्त हो गए। इस संधि से रणजीत सिंह के मनोबल की कमजोरी प्रकट हो गई। यहीं से ब्रिटिश सरकार घुड़सवार सिद्ध हुई और रणजीत सिंह उसका घोड़ा बन गया। रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंधों की अगर समीक्षा करें तो क्या पाते हम? इस संधि से जहां एक ओर रणजीत सिंह पूर्व की ओर के आक्रमण से निश्चित हो गया तो दूसरी ओर अंग्रेजी साम्राज्य की सीमा सतलज तक पहुंच गई। इस सिख राज्य के स्थायित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा। रणजीत सिंह के मनोबल में कमी आई। 1831 ईस्वी में बंस ने सिंध के रास्ते का सर्वेक्षण किया। 1831 में गवर्नर जनरल एवं रणजीत सिंह की रोपड़ में भेंट हुई और दोनों ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का वचन दिया। 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि, कौन कौन थे त्रिपक्षीय संधि में? रणजीत सिंह, शाह सुजा और अंग्रेज के अनुसार सिंधु के मामले में महाराजा ने ब्रिटिश मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया। तत्कालीन परिस्थितियों में रणजीत सिंह संघर्ष नहीं चाहता था, लेकिन
रणजीत सिंह ने अफगान युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को पंजाब से गुजरने की आज्ञा नहीं दी। 27 जून 1839 ईस्वी को लकवे के कारण रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो बाद में पंजाब में अव्यवस्था फैल गई। रणजीत सिंह ने अपने सरदारों को काबू में रखा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सरदारों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। दरबार में दलबंदी प्रारंभ हो गई। खड़क सिंह राजा बना, लेकिन वो कुशल प्रशासक नहीं था। राजकार्य में डोगरा बंधु जिनमें ध्यान सिंह, सच्चा सिंह, शेर सिंह, नोनिहाल सिंह, गुलाब सिंह आदि का हस्तक्षेप बढ़ गया। अंग्रेजों ने इस अराजकता का लाभ उठाया। रणजीत सिंह की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही उन्होंने सिखों पर आक्रमण कर दिया और परिस्थिति बनी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, जो 1845-46 में हुआ। बात इसके कारणों की करें, पंजाब में अशांति और अराजकता थी उस समय। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात सिख नेताओं में फूट पड़ गई तथा पंजाब में अशांति एवं अराजकता फैल गई। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में गद्दी प्राप्त करने को लेकर संघर्ष छिड़ गया तथा अनेक लोग मारे गए। 1840 में खड़क सिंह तथा उसके पुत्र उसका पुत्र निहाल सिंह नौनिहाल सिंह की मृत्यु हो गई। सेना की सहायता से शेर सिंह गद्दी पर बैठा, परंतु 1843 में शेर सिंह की हत्या कर दी गई। उसके वजीर ध्यान सिंह की भी हत्या कर दी गई। कुछ समय बाद 1844 में वजीर हीरा सिंह का भी वध कर दिया गया। अंत में 1845 में रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को पंजाब का शासक बनाया गया तथा उसकी माता रानी जिंदन कौर को उसकी संरक्षिका नियुक्त किया गया तथा लाल सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस प्रकार लाहौर दरबार षड्यंत्रों एवं कुचक्रों का केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर पंजाब पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया। अंग्रेजों की आकांक्षा बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करने के लिए लालायत थे। 1838 में ऑर्सबोर्न ने लिखा कि रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद पंजाब पर अधिकार कर लेना चाहिए। हमने बड़े बड़े ऊंटों को निगल लिया है, अब पंजाब रूपी मछली को भी निगल लेना चाहिए। पंजाब पर अधिकार करने की योजना बनाने लगे। अंग्रेजों ने पंजाब को घेरने की नीति अपनाई और 1843 में सिंध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इससे सिख अंग्रेजों से नाराज हो गए। सिख सैनिक का बढ़ता हुआ प्रभाव। अनेक सिख नेता सेना के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित थे। लाल सिंह, तेज सिंह और सिख नेता सिख सेना की शक्ति को नष्ट करके अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते थे। अतः वे सिख सेना को अंग्रेजों से लड़ाकर नष्ट करने में षड्यंत्र करने लगे। इधर अंग्रेज भी युद्ध की तैयारी करने लगे। अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि की उपेक्षा करते हुए 1843 में सीमा पर 14,000 सैनिक भेज दिए। वे फिरोजपुर, अंबाला तथा लुधियाना की छावनियों में सेनाएं एकत्र करने लगे। 1845 में 40,000 से अधिक अंग्रेजी सेना तथा 94 तोप सीमा पर नियुक्त थी। इससे सिख और ज्यादा उत्तेजित हो गए। इधर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अफगानों ने अंग्रेजी सेनाओं को नष्ट कर दिया था। अतः अंग्रेज पंजाब को जीतकर अपने पराजय के कलंक को धो डालना चाहते थे। उस समय के तत्कालीन कारण और भी थे। नवंबर 1845 में अंग्रेजों ने लुधियाना के दो गांवों पर अधिकार कर लिया। सिख नेताओं के भड़काए जाने पर 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया। इस पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने
13 दिसंबर 1845 को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घटनाएं क्या रही? 18 दिसंबर 1845 को सिखों और अंग्रेजों के बीच मुद्दकी नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सिख सेनापति लाल सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की पराजय हुई। 21 दिसंबर 1845 को फिरोज शाह नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें सिख सेनापति तेज सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की पराजय हुई। परंतु 21 जनवरी 1846 को सिखों ने बुधवाल की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित कर दिया। 10 फरवरी 1846 को सबराओं के युद्ध में सिखों की निर्णायक पराजय हुई। अंग्रेजों ने आगे बढ़कर 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया। और क्या हुआ? लाहौर की संधि। 9 मार्च 1846 को सिखों पर अंग्रेजों के बीच लाहौर की संधि हुई, जिनमें अनेक शर्तें रखी गई। महाराजा दिलीप सिंह ने सतलज नदी के दक्षिण में स्थित सभी प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया। उसने व्यास तथा सतलुज नदियों के बीच स्थित दोआब के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिया। सिखों ने युद्ध के हार जाने के रूप में अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपए देना स्वीकार कर लिया। सिखों ने 50 लाख रुपए तो नगद चुका दिए तथा कश्मीर एवं हजारे के प्रदेश 1 करोड़ रुपए के बदले में अंग्रेज को दे दिए। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले में कश्मीर एवं हजारे के प्रदेश गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिए। सिख सेना की संख्या कम कर दी गई। सिख सेना की संख्या 12,000 घुड़सवार तथा 20,000 पैदल तक सीमित कर दी गई। सिखों का तोपखाना भी सीमित कर दिया गया। दिलीप सिंह पंजाब का शासक बना रहेगा। रानी जिंदन कौर उसकी संरक्षिका तथा लाल सिंह प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लाहौर दरबार में अंग्रेज रेजिडेंस रहेगा। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में कंपनी में रेजिडेंस नियुक्त किया गया। आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी सेना को पंजाब से होकर गुजरने की अनुमति दी गई। इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम क्या रहे? इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि सिखों के हाथ से निकल गई। सिख शक्ति समाप्त प्राय हो गई। अब पंजाब पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। विश्वासघातियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। सिखों को 16 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया, जिसके अनुसार रेजिडेंट की अध्यक्षता में प्रशासन के संचालन के लिए 8 सरदारों की एक परिषद का गठन किया गया तथा पंजाब में अंग्रेजी सेना रखने का निश्चय किया गया, जिसके व्यय के लिए सिखों ने 22 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया। लाल सिंह को बंदी बनाकर देहरादून तथा रानी जिंदन कौर को 1.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशनर बनाकर बनारस भेज दिया गया। यह थी प्रथम युद्ध की बात। अब कैसे बनी द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध की कहानी और इसके परिस्थिति बात करते हैं। द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध 1848 से 1849 तक। कहानी इसके कारण की बात करें तो प्रथम सिख युद्ध की पराजय का बदला लेना पहली बात तो यह थी। सिखों का विश्वास था कि उन्हें सिख सेनापतियों के विश्वासघात के कारण प्रथम युद्ध में पराजित होना पड़ा था, अतः वे इस पराजय के कलंक को धो डालना चाहते थे। सिख सैनिकों में असंतोष, सिख सेना में कमी कर दिए जाने से सिख सैनिकों में असंतोष था। लगभग 10,000 सिख सैनिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, अतः बेरोजगार सैनिकों में तीव्र असंतोष था। अंग्रेजों के सुधारों से असंतोष। अंग्रेजों ने सिखों को विश्वास में लिए बिना सती प्रथा, कन्या वध, जमींदारी प्रथा आदि के विरुद्ध कानून बनाए। पंजाब में मुसलमानों को कुछ सुविधाएं दी गई,
जो सिखों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध थी। अंग्रेजों द्वारा रानी जिंदन कौर के प्रति कठोर व्यवहार किया गया। अंग्रेजों ने रानी जिंदन कौर पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, उसे बंदी बना लिया, उसकी पेंशन 1.5 लाख रुपए से घटाकर केवल 12,000 कर दी तथा उसे बनारस के पास चुनार भेज दिया। इसे सिखों में आक्रोश व्याप्त था। रेजिडेंट की हस्तक्षेप की नीति। ब्रिटिश रेजिडेंट लॉरेंस और उसके साथियों का सिख राज्य में आंतरिक हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ गया। राज्यों के प्रमुख विभागों में अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे। इसे सिख सरदारों में असंतोष व्याप्त था। अंग्रेजों की फूट डालने की नीति। अंग्रेजों ने सिखों में फूट डालने का कार्य भी किया। उन्होंने लाल सिंह तथा खालसा सेना के विरोधी सिख सरदारों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। इधर मुल्तान के दीवान मूल राज का विद्रोह। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण व्यवहार से परेशान होकर 1848 में मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने त्याग पत्र दे दिया। अंग्रेजों ने उसके स्थान पर सरदार कहन सिंह को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया और उसकी सहायता के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी तथा एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई। 19 अप्रैल 1848 को मूलराज ने अपना कार्यभार नए गवर्नर को सौंप दिया, परंतु उसी दिन कुछ लोगों ने एग्न्यू तथा एंडरसन नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन मूलराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। छत्तर सिंह का पुत्र शेर सिंह भी मूलराज से जा मिला। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति भी महत्वपूर्ण कारण थी। लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वो पंजाब पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। अतः उसने 10 अक्टूबर 1848 को सिखों के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा कर दी। बात करते हैं इस युद्ध की घटनाओं की। 22 नवंबर 1848 को रामनगर नामक स्थान पर सिखों तथा अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ, परंतु इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके पश्चात 13 जनवरी 1849 को चीलियावाला नामक स्थान पर सिखों तथा अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ, परंतु यह युद्ध भी अनिर्णायक सिद्ध हुआ। 22 जनवरी 1849 को अंग्रेजों ने मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया तथा मूलराज ने आत्मसमर्पण कर दिया। 21 फरवरी 1849 को गुजरात के स्थान पर अंग्रेजों तथा सिखों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की निर्णायक पराजय हुई। 22 मार्च 1849 को शेर सिंह, छत्तर सिंह आदि सिख नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध के परिणाम क्या रहे, बात करते हैं। 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दिलीप सिंह को 50,000 पौंड की पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। दिलीप सिंह से कोहिनूर का हीरा भी छीन लिया गया। दिलीप सिंह ने पंजाब में अपने सभी पद, उपाधियां और अधिकार त्याग दिए। सिख सेना भंग कर दी गई। अंग्रेजी साम्राज्य को भारत की प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त हो गई। सिख शक्ति अपूर्णता नष्ट हो गई। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का एक मंडल बना दिया गया। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक पहुंच गई। उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलों की श्रृंखला बनाई गई। सिखों को निशस्त्र कर दिया गया। सड़क व नहर का काम भी शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बात थी आज कहानी इतिहास के एक सेगमेंट में आंग्ल और सिख युद्धों की बात हमने की थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी सिख आंग्ल युद्ध
दोनों युद्धों की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो और ये कहानी अगर मेरे द्वारा समझ में आती हो, आपको अच्छी लगती हो, तो इस कहानी को आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना प्यार देने के लिए इस चैनल को, एनआर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते धन्यवाद देखने के लिए, आपका प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।